खानों में काई कबीले का गोश्त है। जनाब लाजवाब बेमिसाल। जी ये लाजवाब बेमिसाल गोश्त अब आप भी घर पर बना सकते हैं बिल्कुल तारीखी अंदाज में। रेसिपी के लिए वीडियो को आखिर तक देखें, स्किप मत करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलते हैं रेसिपी की तरफ कि हमें किन किन अज्जा की ज़रूरत है। 1 किलो हमने यहाँ पर भेड़ का गोश्त लिया है जो कि रोगन वाला है, चिकना है। ये देखें बड़े बड़े पीस लिए हैं मैंने, 1 किलो में 4 पीस बनवाए हैं। और हड्डी वाला गोश्त है, इसके अलावा 100 ग्राम रोगन भी लिया है। 2 अदद प्याज हैं जिनको हमने छील लिया है। 30 के करीब काली मिर्च हैं साबुत, 10 अदद लहसुन के जमे, 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टीस्पून हल्दी, 2 टुकड़े हैं अदरक के और 1.5 लीटर है पानी। कबायली तुर्कों में ये रिवाज है कि जब मेहमान आता है या किसी को दावत पर बुलाते हैं तो कबीले के पले हुए तंदुरुस्त जानवर भेड़ का गोश्त पकाकर पेश करते हैं। काई कबीले की तारीख और सकाफत तो आजकल पाकिस्तान का टॉप ट्रेंड बना हुआ है। आज मैं आपको काई कबीले के कल्चर में दिखाया जाने वाला खाना यानी भेड़ का गोश्त हूबहू उसी तारीखी अंदाज में बनाना सिखाऊंगा। ये डिश हर खिते के कबायली कल्चर में पसंद की जाती है। अगर हम पख्तून और बलोच कबाइल की बात करें तो उनकी कबायली सकाफत भी तुर्क कबाइल की सकाफत से मिलती जुलती है, ख़ास तौर पर खाने और आदाब मुआशरत में काफ़ी हम आहंगी है। चूँकि मैं ख़ुद कबायली इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ और ये रेसिपी वहीं से सीख कर आया हूँ ताकि तमाम दोस्तों से शेयर की जा सके, जो कि हकीकी तौर पर कबायली डिश है। चलें देखते हैं ये रेसिपी कैसे बनाई जाएगी। हमने एक पैन में 1.5 लीटर पानी डाल लिया और हाई फ्लेम को ऑन कर दिया। अब इस पानी में हमने जो हमारे पास गोश्त है, 1 किलो भेड़ का गोश्त रोगन वाला, ये देखें बड़े बड़े पीस हैं आपके सामने, पानी में शामिल कर देना और जो हमारे पास रोगन है उसको भी इसी पानी में शामिल करना है। इसमें हमने अब प्याज शामिल करने हैं, हमारे पास 2 अदद प्याज थे वो भी इसमें शामिल कर दिए, लहसुन के जवे हैं वो भी शामिल, अदरक के टुकड़े हैं वो भी शामिल कर दिए, 1 टीस्पून हल्दी है वो भी शामिल कर दी है, 1 टेबलस्पून हमारे पास नमक है उसको भी हमने इसमें शामिल कर दिया और फ्लेम को हाई कर दिया। हमने इसको 15 मिनट तक हाई फ्लेम पर ऐसे ही पकाना है। ये डिश बहुत मज़े की होगी, आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। 15 मिनट तक हम इस डिश को इसी तरीके से पकाएंगे। अब 15 मिनट हो चुके हैं हमें इसको पकाते हुए। हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हमने जो इस बर्तन का ढक्कन है उसके किनारों पर ये आटा लगा लेना है। ये गूंदा हुआ आटा था, मैंने इस तरह से लगाया ताकि हम इसको एयर टाइट कर सकें। और अब हमने इसको एयर टाइट कर देना है 3.5 घंटे के लिए, 3 घंटे 30 मिनट के लिए हमने इसको एयर टाइट करके लो फ्लेम पे पकाना है। इसको पकते हुए 3 घंटे 30 मिनट हो चुके हैं जो कि बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने पकाया। अब हम इसको खोलने लगे हैं, देखते हैं इसकी क्या पोजीशन है। खुशबू बहुत मज़े की है इसकी, पानी इसमें थोड़ा सा कम हो गया। अब हमने इसको चेक करना है गोश्त गल चुका है या नहीं। तकरीबन 3.5 घंटे बाद हमने इसको खोला बिल्कुल लो फ्लेम पर। अब हमने इसमें
काली मिर्चें शामिल करनी है। ये देखें, इसको मिक्स कर लें। मज़ीद हमने इसको आधा घंटा पकाना है, मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे हम, आधा घंटा पकाएंगे इसको कवर करके, मज़ीद आधा घंटा हमने इसको पकाना है। ये देखें, मीडियम फ्लेम पर आधा घंटे के लिए इसे पकने रख दिया है। इसको आधा घंटा हो गया पकते हुए, मैंने इसको अब खोल लिया, ये रेडी हो चुका है। मेरा मतलूबा शोरबा मुझे हासिल हो चुका है, गोश्त बिल्कुल गल चुका है, ये आपके सामने है। मैंने इसमें कोई घी नहीं डाला था, जो इसी का रोगन था वो इसी के ऊपर आया है। आप चाहें तो एक्स्ट्रा घी भी डाल सकते हैं, लेकिन असल फ्लेवर इसका इसी तरह से आएगा। अब मैं इसको डिश आउट करता हूँ और अपने दोस्त को खिलाता हूँ, देखता हूँ वो क्या इसके बारे में कहता है, उसकी क्या राय है इस बारे में, उसको कैसा लगा। चलो तोड़ो तोड़ो एक। कितनी मानो मैं काई का विलेज का गोश्त है, मुझे ऐसे जैसे मक्खन मलाई बर्फी जवाब ये मिसाल बिल्कुल नरम, एक एक नशा लैदा हो रहा है, ऐसे गोश्त ऐसे जैसे आपने मुँह में बर्फी रखी।